दोस्तों मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़े ही कमाल के हाल ही में लॉन्च हुए एक स्मार्टफोन के बारे में, वीवो S1 के बारे में। तो क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी प्राइस है, क्या आपको ख़रीदना चाहिए, क्या इसके अंदर कमी है और क्या इसके अंदर अच्छी बात है, उनके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, हो सकता है ये आपका नेक्स्ट फ़ोन हो। तो वही बात, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कुछ स्पेक्स के बारे में, क्या इस फ़ोन के अंदर हमें खास देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, जो इस फ़ोन का नाम है वीवो S1, एस स्टैंड फॉर स्टाइल, यानी इस फ़ोन के अंदर स्टाइल के मामले में कोई कमी नहीं दी गई है। फ़ोन थोड़ा हैंडी सा, बड़ा ही खूबसूरत सा फ़ोन बनाया गया। तो इस फ़ोन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाकी देखने को आपको यहाँ के भी मिल ही रहेगा फ़ोन और बाकी भी आपने देख चुके होंगे, नहीं देखा तो आप देख लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में, क्या क्या इस फ़ोन के अंदर हमें स्पेसिफिकेशन मिलने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है फ़ोन की प्राइस, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फ़ोन के 3 वेरिएंट अवेलेबल होंगे। सबसे पहला वेरिएंट इसका जो है वो है 4GB 128GB वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट है इसका 6GB 64GB वेरिएंट, और थर्ड जो इसका वेरिएंट है वो है 6GB 128GB वेरिएंट। तो इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो बात कर लेते हैं, फ़ोन जो है दो कलर ऑप्शन में ये फ़ोन अवेलेबल है। इसके अंदर हमें स्काईलाइन ब्लू और डायमंड ब्लैक, ये दो कलर हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो इसका डायमंड ब्लैक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्काईलाइन ब्लू भी काफ़ी अच्छा है। तो बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर हमें प्रोसेसर जो देखने को मिलता है, वो पहली बार किसी फ़ोन के अंदर ऐसा प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। इसके अंदर है मीडिया टेक का P65 प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया गया। और बात करें तो इसके अंदर जो है फ्रंट कैमरा में मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का, और रियर कैमरा की यदि बात करें तो रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का इसके अंदर प्राइमरी सेंसर दिया गया है, फिर बाद में 8 मेगापिक्सल का वाइल्ड एंगल कैमरा सेंसर दिया गया और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया, यानी आपकी फ़ोटो होने वाली बड़े कमाल की। और जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है उससे आपके थोबड़े की भी बड़ी शानदार फोटो आने वाली है। सिक्योरिटी की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर जो हमें देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो कि काफ़ी फास्ट है, और इसके अलावा हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है फेस अनलॉक का ऑप्शन भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और यदि बात करें इसकी स्क्रीन के बारे में, तो फ्रंट के अंदर हमें जो है इसका कैमरा का कटआउट जो है वाटर ड्रॉप नोच के अंदर इसके कैमरे का कटआउट हमें देखने को मिलता है। पॉपअप वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, वाटर ड्रॉप नोच दिया गया, जो कि शायद पंच होल इससे बेटर हो सकता था, यदि इसे स्टाइलिश ही बनाना था, लेकिन फिर भी वाटर ड्रॉप नोच भी चलो ठीक ठाक है इस फ़ोन के अंदर। नीचे थोड़ा सा हमें चिन्ह देखने को मिल जाता है, यानी ठीक ठाक है, लेकिन यदि बात करेंगे प्राइस की तो आपको एक झटका जरूर लगेगा। और यदि बात करें तो इसके अंदर हमें जो है एक साइड में स्मार्ट की देखने को मिल जाती है, ट्रिपल स्लॉट इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे हम हमारी 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड फ़ोन के अंदर घुसेड़ सकते हैं। और यदि बात करें इसके बॉक्स के अंदर, तो हमें देखने को मिल जाता है कि 18W का फास्ट चार्जर इस फ़ोन के साथ ही आता है, और इसके साथ एक ईयरफोन हमें देखने को मिल जाता है, बाकी फ़ोन तो डब्बे में आता ही है। और यदि इसके अलावा यदि बात करें तो इसके अंदर जो है हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो मिलती है 6.38 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी भी है बड़ी ही शानदार है। जैसे आप इस फ़ोन के बैक पैनल को देखेंगे तो इस फ़ोन का जो बैक पैनल है वो बड़े ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। फ़ोन ज़्यादा हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। और इस फ़ोन की यदि बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर जो हमें 4500 mAh की बैटरी इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यदि बात करें तो यही इस फ़ोन के अंदर था। इस फ़ोन की अभी प्राइस के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। इस फ़ोन के अंदर जो प्राइस 3 वेरिएंट मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, 4GB 128GB जिसकी प्राइस अभी रखी गई है 17,990 रुपये, 6GB 64GB जिसकी प्राइस है 18,990 रुपये, और 6GB 128GB जिसकी प्राइस है 19,900 रुपये। डेफिनेटली प्राइस जो है इसकी ज़्यादा है, ओवर प्राइसिंग किया गया। और वीवो तो हमेशा जो फ्रंट कैमरा लगा के बेचता है फ़ोन को, सेल्फी के नाम पे फ़ोन बेचता है, तो आपको देखा गया कि इसके सेल्फी के अंदर जो फ्रंट कैमरा है उसको 32 मेगापिक्सल का, और यदि रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर इस फ़ोन के अंदर कैमरा सेंसर होना चाहिए था। और इस फ़ोन की प्राइस जो है तकरीबन
6 GB 128 GB वेरियंट की 17,000 रुपये के आसपास प्राइस होनी चाहिए थी। मेरा ओपिनियन ये अभी तक ये फ़ोन जो है वो ओवर प्राइज है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कुछ ऑफर वगैरह आ जाए, कुछ प्राइस ड्रॉप डेफिनेटली इस रेंज के अंदर तो प्राइस ड्रॉप आना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन इतना ओवर प्राइज है तो बिकेगा नहीं। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और कोई भी सवाल हो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी हो प्लेटफॉर्म है आपके पास, वहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में